चोरी करने वाला ये नहीं चाहता कि आपको उसकी चोरी के बारे में पता चले, वरना वो 3 लाख रुपए की जगह आपकी पूरी की पूरी सेफ खाली कर जाता। राइट मिस्टर खत्री। सेफ खोलता कौन है? सिर्फ 2 लोग, मैं और मेरी पत्नी नंदिता। आपका मतलब है कि आपकी पत्नी आपको बिना बताए रुपए ले जाती है? वो मुझे बताए ये जरूरी नहीं है मिस्टर खत्री। तो फिर प्रॉब्लम ही क्या है? प्रॉब्लम ये है मिस्टर खत्री कि वो 3 लाख रुपए उसने कहीं खर्च नहीं किए, किसी रिश्तेदार को नहीं दिए, तो फिर वो 3 लाख रुपए गए कहां, किसे दिए? आपकी बात एक खतरनाक चीज की तरफ इशारा कर रही है मिस्टर ठाकुर। या तो कोई आपकी पत्नी को ब्लैकमेल कर रहा है, या फिर नंदिता का कोई ऐसा दोस्त है जिस पर नंदिता पैसा खर्च कर रही है, अगर मुझसे छुपाकर। या साफ शब्दों में कहा जाए कि आपकी पत्नी का किसी के साथ चक्कर है। मिस्टर खत्री, नाराज होने की जरूरत नहीं है मिस्टर ठाकुर। मैं जानता हूं कि आप उन 3 लाख रुपयों के बारे में पता लगाने नहीं आए हैं, बल्कि आप अपनी पत्नी के बारे में पता करवाने आए हैं, क्योंकि आपको उसके ऊपर शक है। Am I right? Yes, Mr. Khatri, you are right. Mr. Khatri, मैं चाहता हूं कि तुम ये पता लगाओ कि नंदिता मेरी एब्सेंस में कब, किससे और कहां मिलती है। हो जाएगा, लेकिन ये काम तुम्हें आज ही शुरू करना होगा मिस्टर खत्री, क्योंकि आज मैं 3 दिन के लिए दिल्ली जा रहा हूं और मेरी एब्सेंस में नंदिता बेफिक्र हो जाएगी। तुम्हारे लिए उसकी हर एक्टिविटी पर नजर रखना बहुत आसान हो जाएगा मिस्टर खत्री। मिस्टर खत्री, वो सामने मेरा बंगलो है, ये कॉटेज भी मेरा ही है। मेरे हिसाब से तुम यहां रहकर अपना काम ज्यादा अच्छी तरह कर सकते हो। अच्छा? हाँ, क्योंकि मिस्टर खत्री वो खिड़की बिल्कुल मेरे घर की तरफ खुलती है और यहां रहकर तुम मेरे घर आने जाने वाले हर आदमी पर नजर रख सकते हो। एक्सीलेंट। कुछ कहा तुमने? मैंने कहा आपका प्लान अच्छा है। बाय द वे, अगर आपका शक गलत निकला तो आपके जाने के बाद आपकी बीवी किसी से नहीं मिली या उससे कोई नहीं मिलने आया तो समझ लेना कि उसे तुम्हारे बारे में पता चल गया है। लेकिन मैं जानता हूं मिस्टर खत्री कि तुम ऐसी गलती नहीं करोगे। हाँ जगत, मैं बोल रही हूँ। हेलो जानेमन, तुम्हारी आवाज सुनने को तो कान तरस गए। बकवास मत करो, मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया है
कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। माय स्वीटहार्ट, मिलना तो हम भी चाहते हैं, बस समझो मर रहे हैं तुम्हारे लिए, लेकिन क्या करें, वो तुम्हारा संगदिल सनम वो दिल्ली गए हैं, 3 दिन में लौट आएंगे। वेरी गुड, 3 दिन तक यानी अपनी ऐशी ऐश। शट अप, तुम जानते हो कि मुझे ऐसी बेहुदा बातें बिल्कुल पसंद नहीं है फोन पे। तो ठीक है, मिलकर करेंगे बातें। कहाँ मिलोगी? वहीं, शाम को 4 बजे। तो शाम को 4 बजे, बाय। Thank you.
कहिए मिस्टर ठाकुर, दिल्ली पहुंच गए? हाँ, मैं तो दिल्ली पहुंच गया, लेकिन तुम कहां तक पहुंचे मिस्टर खत्री? अभी तो शुरुआत है ठाकुर साहब, मगर आपकी बीवी बहुत ही पहुंची हुई औरत है। क्या मतलब? मतलब ये कि आपके जाने के फौरन बाद ही उसने किसी को फोन किया और उससे मिलने भी पहुंच गई। कौन है वो शख्स? कुछ पता चला उसके बारे में? अभी उसके बारे में कुछ पता तो नहीं चला है, लेकिन आपकी बीवी उसके बहुत ही क्लोज है। आप कहें तो उसके बारे में पता चल सकता है। नहीं नहीं मिस्टर खत्री, फॉरगेट इट, मुझे इसके बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम सिर्फ नंदिता पर नजर रखो, ओके? डोंट वरी मिस्टर ठाकुर, अब अगर वो जोर से सांस भी लेगी तो मुझे पता चल जाएगा, मैंने पूरा इंतजाम कर दिया है। गुड, वेरी गुड मिस्टर खत्री, मैं तुम्हें फिर फोन करता हूँ, आई कॉल यू लेटर, बाय। ओके। अब बहुत हो चुका जगत, मैं पहले से तुम्हें 5 लाख से ज्यादा दे चुकी हूँ। So what, sweetheart? क्या तुम्हारी दौलत पर तुम्हारे आशिक का कोई हक नहीं? मैंने कब मना किया है, लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। Come on, sweetheart, वो है ना ठाकुर के पास, वो है ना उसके पास, वो आखिर किसका है? सब तुम्हारा, और जो तुम्हारा है वो मेरा। अब ये सब कुछ नहीं हो सकता, वैसे ही उन्हें मुझ पर शक हो गया है। तो तुम क्या चाहती हो कि उनका शक यकीन में बदल जाए? हाँ, क्या मतलब? मतलब ये कि तुम शायद भूल रही हो कि तुम्हारे कुछ क्लासिक्स फोटोग्राफ्स और साहित्यिक लव लेटर्स हैं मेरे पास। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना वो ठाकुर साहब को दे दूँ, वैसे मुझे काफ़ी बड़ा बड़ा अमाउंट देंगे। ओहो, तो अब तुम मुझे ब्लैकमेल करोगे? करना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन मजबूर हूँ। ठीक है, रुको। अब बोलो। ये क्या कर रही हो तुम? देखो, ये खिलौना नहीं है, अगर चल गई तो। क्यों? मैं ये कहूंगी कि कोई अजनबी मेरे घर में जबरदस्ती घुसाया और मुझे मारने की कोशिश की, और मैं अपने आप को बचाने के लिए गोली चला दी। समझ नहीं, मैं मजाक कर रहा था। कम ऑन, आपस में दोस्त हैं, इस तरह का मजाक? मुझे मारेगी? तू मुझे मारेगी? तू मुझे मारेगी? हाँ, तू मुझे मारेगी? तो मिस्टर जीएस ठाकुर के कहने पे आप उनकी पत्नी की निगरानी कर रहे थे। मिसेस ठाकुर का एक शख्स के साथ झगड़ा हुआ आपकी निगरानी के दौरान,
और मिसेस ठाकुर ने उस शख्स को जगत कहकर पुकार रही थी, यही नाम लिया था ना? जी हाँ। और उस शख्स ने मिसेस ठाकुर पे गोली चलाई, और जब आप दौड़ के उस स्पॉट पे गए तो उस शख्स ने आप पे भी हमला किया और आप बेहोश हो गए। उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैंने देखा लाश वहां से गायब हो चुकी थी। फिर मैंने पुलिस को फोन किया और हाँ, तो मिस्टर खत्री, आपने पुलिस को इन्फॉर्म करने से पहले अपने क्लाइंट को तो इन्फॉर्म किया ही होगा। जी जी नहीं, मिस्टर ठाकुर से मेरी थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी। उन्होंने अपने केस की प्रोग्रेस जानने के लिए मुझे दिल्ली से फोन किया था। दिल्ली से फोन किया था? वाकई दिल्ली से फोन किया था? हाँ, उन्होंने बोला तो यही था कि वो दिल्ली से बात कर रहे हैं। वो दिल्ली से बात कर रहे हैं, इस बात का हमारे पास कोई सबूत नहीं। क्या मतलब? मेरा मतलब है मिस्टर खत्री की कोई दिल्ली का कोई फोन नंबर होगा आपके पास? हाँ, उन्होंने एक दिल्ली का फोन नंबर दिया तो था, उसी नंबर से जाना जा सकता है कि वो दिल्ली में है भी या नहीं। क्या मैं वो नंबर देख सकता हूँ? ये नंबर था। श्रीवास्तव, फोन करके पता लगाओ कि यहाँ मिस्टर जी एस ठाकुर हैं और ये वाकई दिल्ली का नंबर है या नहीं। ओके सर। हेलो, मिस्टर जी एस ठाकुर प्लीज। यस, बोल रहा हूँ। मिस्टर ठाकुर, इंस्पेक्टर श्रीवास्तव है फ्रॉम मुंबई पुलिस। हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि आपकी वाइफ का कत्ल हो गया है। What? जी हाँ, खत्री नाम के जिस आदमी को आपने अपनी वाइफ की निगरानी के लिए अपॉइंट किया था, उसका कहना है कि उनका कत्ल उसने अपनी आंखों के सामने होते देखा है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। रिलैक्स मिस्टर ठाकुर, देखिए हमें पूरा यकीन है कि आप इस केस पर कुछ ना कुछ रोशनी अवश्य डाल सकेंगे। फिलहाल आप पहली फ्लाइट पकड़ कर यहाँ वापस आने की कोशिश कीजिए। मैं आ रहा हूँ, मैं पहली फ्लाइट से आ रहा हूँ इंस्पेक्टर, मैं आ रहा हूँ। या मिस्टर जी एस ठाकुर आए हैं। मिस्टर ठाकुर, भेज दो उन्हें अंदर। मैं आई कम इन इंस्पेक्टर भारत। हाँ ठाकुर साहब, आई। थैंक यू। इंस्पेक्टर भारत, ये सब क्या हुआ? कैसे, किसने किया ये सब? मुझे खुद हैरत है ठाकुर साहब। आपका वो जो प्राइवेट डिटेक्टिव है, उसका कहना है कि आपकी पत्नी और किसी शख्स के बीच में थोड़ा झगड़ा हुआ, गर्मागर्मी हुई, उस शख्स ने आपकी पत्नी को शूट कर दिया। वो कोई दाढ़ी वाला शख्स था। ये देखिए, इस तस्वीर को पहचानते हैं आप? इसे मैंने पहले कभी नहीं देखा इंस्पेक्टर। क्या यही मेरी नंदिता का कातिल है? ऐसा है ठाकुर साहब कि गोली तो इसी शख्स ने मारी, ये तो तय है, लेकिन जब तक लाश नहीं मिल जाती हम इसे कातिल कह नहीं सकते। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि हमें अब तक आपकी पत्नी की लाश नहीं मिली, और जब तक हमें लाश नहीं मिलती हम कोई केस बना नहीं सकते। मिस्टर ठाकुर, लाश नहीं मिली, लेकिन क्यों? अगर इस आदमी ने सचमुच मेरी नंदिता का कत्ल किया है तो वो लाश को अपने साथ क्यों ले गया? यही तो वो सवाल है ठाकुर साहब, जिसका हमें जवाब ढूंढना है।
इसका तो एक ही मतलब है इंस्पेक्टर, कि मेरी नंदिता मरी नहीं। मेरा दिल कह रहा है इंस्पेक्टर कि मेरी नंदिता जिंदा है। एक्सक्यूज मी, यह इंस्पेक्टर भारत क्राइम ब्रांच, कहाँ? ठीक है, ऑलराइट। ठाकुर साहब, आपको मेरे साथ कहीं चलना होगा। इंस्पेक्टर भारत, ये तो मॉर्ग है, आप मुझे यहां क्यों लेकर आए हैं? अभी थोड़ी देर पहले माहिम की खाड़ी से हमें एक लाश बरामद हुई, अब वो लाश एक औरत की है। हम आपको यहां उसकी शनाख्त के लिए लेके आए। ये तो नंदिता है, मेरी पत्नी। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, इसकी इसकी ऐसी हालत किसने कर दी? नंदिता, नंदिता। मिस्टर ठाकुर, प्लीज रिलैक्स, रिलैक्स मिस्टर ठाकुर, प्लीज रिलैक्स। मैं आपका दुख समझ सकता हूँ मिस्टर ठाकुर, रिलैक्स। श्रीवास्तव। यस सर। पोस्टमार्टम के बाद लाश को मिस्टर ठाकुर के हवाले कर देना। जी सर। और वो मिस्टर जगत की जो फोटोग्राफ्स हैं एनलार्ज करके जल्द से जल्द मुझे पहुंचा देना। उसका पुलिस रिकॉर्ड चेक कर लेना। ओके सर। आई एम सॉरी मिस्टर ठाकुर, एक्सक्यूज मी। नंदिता, नंदिता, काश तुमने मुझसे सच्चाई ना छुपाई होती तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। शायद शायद आज, शायद आज तुम जिंदा होती ना। नंदिता, नंदिता। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल ठाकुर के रिवॉल्वर से हुआ है और इसमें कत्ल का वक्त वही बताया गया जो कि खत्री ने हमें बताया था, कल शाम 6 बजे के आसपास। और कल शाम 6 बजे ठाकुर साहब दिल्ली में थे। जी, हमने चेक करवा लिया है। श्रीवास्तव, रिपोर्ट में और कोई खास बात? कुछ और खास बात तो नहीं सर, सिर्फ लाश के बालों में काफी सारा भूसा, आई मीन बुरादा चिपका हुआ पाया गया। ये देखिए, वो मिस्टर जगत की फोटोग्राफ दी थी एनलार्ज करवाने। जी, ये देखिए। इतना बड़ा प्रिंट निकलवाया है, उसके उसके बावजूद भी सिर्फ दाढ़ी मूछ के अलावा चेहरा तो कोई नजर आता ही नहीं। आई डाउट इट सर।
मुझे लगता है कि ये दाढ़ी मूछ दोनों नकली हैं। श्रोता, तुमने कुछ कहा? सर, मैंने कहा कि कातिल ने शायद नकली दाढ़ी मूछ लगाई है। श्रोता, ये आदमी कातिल नहीं है। मतलब ये कि I'm quite sure ये आदमी कातिल नहीं। That's it। वास्तव वो मिस्टर खत्री ने अपने बयान में क्या कहा था कि जब वो मिसेस ठाकुर का पीछा कर रहे थे तो मिसेस ठाकुर ने अपनी गाड़ी कहीं नो पार्किंग एरिया में खड़ी कर दी थी और उन्हें चालान भी हुआ था? जी हाँ, कुछ बताया तो था उसने। वो चालान की मुझे कॉपी चाहिए श्रीवास्तव। ओके सर। और मुझे ये डेड बॉडी की एनलार्ज्ड कॉपी और मिसेस ठाकुर की एनलार्ज्ड कॉपी, दो अलग सोलो कॉपीज चाहिए श्रीवास्तव। ठीक है सर। ये चलान गाड़ी का नंबर और लाइसेंस नंबर इसी में है। लेकिन ये चलान तो किसी अंजलि वर्मा के नाम से है। हाँ साहब, लाइसेंस उसी के नाम का था। आई सी, अंजलि वर्मा। श्रीवास्तव, मुझे यही उम्मीद थी। Yes? अंजलि वर्मा जी? हाँ। मैं इंस्पेक्टर श्रीवास्तव। बोलिए। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। लेकिन मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी। मिसेस ठाकुर की मौत के बाद तो मेरा काम अधूरा रह गया था ना, इसलिए। So what, मिस्टर खत्री, तुमने तो अपने काम को अच्छी तरह अंजाम दिया है, इसलिए तुम्हें उसका मुआवजा तो मिलना ही चाहिए। ये लीजिए। और हाँ, नंदिता के कातिल को भी तो तुम्ही ने देखा है, उसको पुलिस तक पहुंचाने में तुम भी तो मदद कर सकते हो उसकी। जी नहीं मिस्टर ठाकुर, मुझे बड़ा अफसोस है मिस्टर ठाकुर की वो दाढ़ी वाला जगत आपकी पत्नी का कातिल नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने खुद अपनी आंखों से जगत को मिसेस ठाकुर के ऊपर गोली चलाते हुए देखा है। हो सकता है, लेकिन उसने किसी का कत्ल किया ही नहीं। और सच तो यह है कि उस रात किसी का कत्ल हुआ ही नहीं। क्या? यह कैसे हो सकता है? आपको याद है मिस्टर ठाकुर कि आपने मुझसे कुछ अरसा पहले एक सवाल पूछा था कि अगर मिसेस नंदिता ठाकुर मर गई हैं तो कातिल उनकी लाश क्यों ले गया? वो इसलिए कि वहां कोई लाश थी ही नहीं। लेकिन इंस्पेक्टर, आप ही ने तो कहा था कि अगर कातिल लाश गायब कर दे तो कत्ल का तो केस ही नहीं बनता। लाश गायब नहीं हुई, वो मिली। लेकिन कमाल की बात यह है कि मिसेस ठाकुर के मरते वक्त कान में झुमके थे, मरते वक्त। लेकिन मरने के बाद वो टॉप्स में बदल गए। ये देखिए। लेकिन ये तो जरा सोचिए कि मिसेस ठाकुर के मरते वक्त कान में झुमके थे, लेकिन मरने के बाद एकदम से वो टॉप्स में कैसे बदल गए? यानी कि ये लाश मिसेस ठाकुर की नहीं है? नहीं मिस्टर खत्री, लाश मिसेस ठाकुर की है, लेकिन जिसे आपने देखा वो मिसेस ठाकुर नहीं थी। क्या? और उससे बड़ी हकीकत यह है कि मिस्टर खत्री ने किसी का कत्ल होते हुए देखा ही नहीं। यह कैसे हो सकता है? यही सच है मिस्टर खत्री। जी आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं मिस्टर ठाकुर कि उस शाम कत्ल नहीं हुआ था, लेकिन कत्ल का ड्रामा हुआ था, नाटक हुआ था, और कातिल ने मिसेस ठाकुर के कत्ल की वारदात को दोहराकर यह साबित करने की कोशिश की कि कत्ल वाकई में परसों शाम को हुआ था। लेकिन एक्चुअल फैक्ट यह है कि कत्ल परसों शाम को नहीं बल्कि दो दिन पहले हो चुका था। आई कांट बिलीव दिस। मैंने जिसके कत्ल होते हुए तस्वीरें खींची, अगर वो मिसेस ठाकुर नहीं थी तो वो कौन थी? श्रीवास्तव, ले आओ उसे। मिस्टर खत्री, क्या ख्याल है आपका? ओह माय गॉड, इंस्पेक्टर भारत, ये तो वही लड़की है जिसकी मैंने तस्वीरें खींची थी, और इसी को तो मिस्टर ठाकुर ने अपनी पत्नी बताया था। मैंने? मैं तो इसे जानता भी नहीं। कौन है ये? कमाल करते हैं ठाकुर साहब, आप इन्हें नहीं पहचानते? अरे भाई, आपकी माशूक, आपकी मंजूर नजर, आपकी जान, इनसे मिलिए, मिस अंजलि वर्मा। अंजलि? कौन अंजलि? मैं इसे नहीं जानता। और मेरे समझ में भी ये नहीं आ रहा है इंस्पेक्टर कि माजरा क्या है, और आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, और कौन है ये? मैं इसे जानती तक नहीं। मैं आपको बताता हूँ अंजलि, मैं आपकी याददाश्त ताज़ा किए देता हूँ। ये मिस्टर जी एस ठाकुर हैं अंजलि जी, जिनके कहने पे आपने इनकी पत्नी होने की एक्टिंग की, और दूसरी आपने वो दाढ़ी वाले के साथ मिलकर वो कत्ल का नाटक किया। यानी वो दाढ़ी वाला, वो भी? जी हाँ, वो दाढ़ी वाला मिस्टर ठाकुर का दोस्त था, उसका नाम जगतपाल है। ठाकुर साहब, बहुत पैसे दिए होंगे आपने जगतपाल जी को अपने इस नाटक में शामिल करने के लिए। पुलिस से फरार है वो, कोई बात नहीं, कितनी दूर तक दौड़ के जाएगा, बहुत जल्द पकड़ लूंगा उसको मैं। मैंने ये नाटक किया है? इंस्पेक्टर भारत, मैं भला ये नाटक क्यों करूंगा? वो यूं करूंगा मिस्टर ठाकुर कि मिस्टर खत्री इस नाटक के एक चश्मदीद गवाह, और ये समझें कि वो कत्ल परसों शाम को हुआ है, जब आप दिल्ली में थे पूरे गवाहों के साथ, और आप पर शक ना हो। और अंजी जी, आप कमाल की एक्टिंग करती हैं, आपको तो एक्टिंग में अवार्ड मिलने चाहिए। आपने तो मिस्टर खत्री को बिल्कुल एक यकीन दिला दिया कि आप ही मिसेस ठाकुर थी, लेकिन एक छोटी सी गलती कर बैठी हैं आप, कान के वो झुमके चेंज करना भूल गई आप, मुझे शक हो गया वहीं कि मरने वाली मिसेस ठाकुर और नाटक करने वाली मिसेस ठाकुर दो अलग अलग औरतें। इंस्पेक्टर भारत, अगर ये नाटक है तो फिर मिसेस ठाकुर का कत्ल किसने और कब किया? और कौन कर सकता है मिस्टर खत्री? हमारे काबिल दोस्त मिस्टर जीएस ठाकुर के अलावा ये कत्ल और कौन कर सकता है? आपने भांग पी रखी है क्या इंस्पेक्टर भारत? सिर्फ खतरे नहीं बल्कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी यही कहती है कि ये कत्ल परसों हुआ है, और अगर ये कत्ल परसों हुआ है तो फिर मैं ये कत्ल कैसे कर सकता हूं, क्योंकि परसों तो मैं दिल्ली में था। बोलिए, है कोई जवाब आपके पास? जवाब है मिस्टर ठाकुर, जवाब है वो बुरादा जो मिसेस ठाकुर के बालों में पाया गया, वो बुरादा जो बर्फ के बड़े बड़े स्लैब को पिघलने से बचाने के लिए उस पर डाला जाता है, वो बुरादा जो आपके फार्म के कोल्ड स्टोरेज पे पाया जाता है। कोल्ड स्टोरेज? जी हाँ, ये तो कोई छोटा बच्चा भी जानता है कि किसी भी चीज को अगर शून्य तापमान के नीचे रखा जाए तो उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं आता, कोई
कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती, बस इसी का फायदा उठाया मिस्टर जीएस ठाकुर ने, उस लाश को उठाकर उस कोल्ड स्टोरेज में रख दिया ताकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये कहे कि ये मौत परसों शाम को हुई। बस इसी का आपने फायदा उठाया, आपने उस लाश को उठाकर अपने फार्म हाउस के कोल्ड स्टोरेज में दो दिन तक रख दिया ताकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कत्ल का सही वक्त जज न कर सके। उसके बाद आपके दोस्त ने उस लाश को उठाकर खाड़ी में फेंक दिया। That's it. ठाकुर साहब, और कोई सवाल है पूछने के लिए? और अंजी जी, आपके पास कोई सवाल नहीं पूछने के लिए? अरे भाई, सारा नाटक आपके लिए तो हो रहा है। देखिए इंस्पेक्टर, केजा ने उसे जानबूझकर नहीं मारा, वो एक एक्सीडेंट था। नंदीदा ने पिस्तौल निकाली थी और हाथापाई में। अंजलि, चुप रहो। कोई फायदा नहीं केजा, कोई फायदा नहीं। 100 झूठ बोलकर भी एक सच को छुपाया नहीं जा सकता। मान जाओ केजा, मान जाओ। अंजलि, अकेले मुजरिम अपना जुर्म कबूल करे ना करे, जुर्म अपनी गवाही आप देता है। दीजिए, जो चुप रहेगी जबान खंजर, लहू पुकारेगा आस्ती का।